नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से शुरू होगी जातीय जनगणना। बिहार में सड़क दुर्घटना कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने दिए ये दिशा निर्देश। राष्ट्रपति और पीएम खाएंगे बिहारी कतरनी चूड़ा। मानसिक तनाव दूर करने और शारीरिक विकास पर चलेगी छात्राओं की कक्षाएं। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर किया खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से शुरू होगी जातीय जनगणना। बिहार में आज से यानी कि 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, जिसमें कुल 204 जातियों की गणना की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती की जाएगी। वहीं पहले चरण की शुरुआत पटना के VIP इलाकों से की जाएगी, जहां अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के आवास रहेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि जाति आधारित जनगणना की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है। बताते चले कि इसके पहले चरण में आवासों की गिनती की जाएगी, तो वहीं दूसरे चरण में मकान में रहने वाले लोगों की गिनती की जाएगी। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक दूसरे जिलों में करवा सकेंगे तबादला। राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि और 34,540 कोटि के सहायक शिक्षक दूसरे जिलों में अपना तबादला करवा सकते हैं, लेकिन इस दौरान तबादला केवल समान विषय के शिक्षकों में होंगे। बता दें कि यह फैसला बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 3 प्रपत्र जारी कर लिया गया है। इससे राज्य के लगभग 20 से 25,000 शिक्षकों को फायदा मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि तबादला पाने के लिए शिक्षकों को 25 जनवरी तक अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करना होगा। हालांकि इस तबादले के लिए वैसे शिक्षक अपना आवेदन नहीं भेज सकेंगे जिनकी नियुक्तियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। वहीं इस दौरान शिक्षकों को यह भी बताना होगा कि उन्हें तबादला क्यों चाहिए। बिहारी पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे केसरिया स्तूप के बारे में। केसरिया स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण में स्थित है, जो पटना से 110 किलोमीटर के दूरी पर है। केसरिया स्तूप भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप माना जाता है। केसरिया स्तूप बिहार पर्यटन के प्रमुख आकर्षण में से एक है। माना जाता है कि राजा चक्रवर्ती के शासन के तहत 200 और 750 ईस्वी के बीच इस स्तूप का निर्माण किया गया था। 104 फीट ऊंचाई के साथ यह एक भव्य और शानदार संरचना है, जो आप सभी को एक बार जरूर देखना चाहिए। बता दें कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे, तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे, उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को सिनेमा दिखाएंगे सीएम नीतीश। अब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को हर हफ्ते शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिनेमा दिखाएंगे। इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार के द्वारा शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन करने के दौरान दी गई। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही है। दरअसल समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि यहां के बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यहां खेलकूद के लिए भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी और साथ ही मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि अब बच्चे बच्चियों को फिल्म देखने के लिए भी यही इंतजाम करवा दी जाए। यह हमने हर जगह के इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सिनेमा देखने जाते थे, तो अब ये बच्चे भी जाएंगे। बिहार में धूप के साथ जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। बिहार में अब धूप निकलेगी, लेकिन लोगों को अभी कड़कड़ाती ठंड से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश में आज से और भी ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर 19 जिलों को अलर्ट किया है और कहा है कि इस दौरान पारा और भी तेजी से गिर सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक लोगों को ठंड से किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही अगले 48 घंटे तक राज्य के अधिकतर जिलों में घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 9 जनवरी के बाद ही ठंड में किसी तरह की थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इस दिन तक बकरी फार्म योजना में कर सकते हैं आवेदन। अगर आप भी बकरी पालन करने के इच्छुक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार के लिए बकरी फार्म योजना में आवेदन करने की शुरुआत हो चुकी है। किसान इस योजना के तहत 30 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें किसानों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद चयनित लाभार्थी किसान को बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार की ओर से बकरी फार्म योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। इसमें किसान को बैंक लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बिहार
में सड़क दुर्घटना कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने दिए ये दिशा निर्देश। बिहार में आए दिन सड़क हादसे की खबर सुनने को मिलती रहती है, लेकिन इस घटना में कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें सड़क किनारे पैदल चल रहे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका मुख्य कारण सड़क निर्माण के दौरान फुटपाथ का निर्माण न होना है। बता दें कि परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात की पुष्टि की गई है कि 2021 में कुल 9,553 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से सबसे अधिक पैदल चलने वाले 2,798 लोगों की मौत हुई है। इसी को देखते हुए विभाग की ओर से सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग को दिशा निर्देश दिया गया है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए सड़क के किनारे फुटपाथ बनवाया जाए और साथ ही शहरी इलाकों में जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण करवाया जाए। एम्स ने 75 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर ने विभिन्न डिसिप्लिन में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 75 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में पीजी, एमडी, एमएस, एमसीएच, डीएम, एमडीएस, पीएचडी डिग्री पास होने के साथ ही पदों के अनुसार 3 से 14 साल तक का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट aimsdevghar.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार को 2 बेहतरीन संग्रहालयों की मिलेगी सौगात। जल्द ही बिहार के लोगों को 2 बेहतरीन संग्रहालयों की सौगात मिलने वाली है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरा संग्रहालय का निर्माण वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन के नाम से किया जा रहा है। बता दें कि यह दोनों संग्रहालय करीब 9,669 वर्ग मीटर और 72 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी लागत करीब 1,72,00,000 रूपये और 315 करोड़ रूपये है। मालूम हो कि इन दोनों संग्रहालय का निर्माण बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। बताते चले कि बापू टावर संग्रहालय में महात्मा गांधी के जीवन, उनकी बिहार यात्रा समेत कई स्मृतियों के दर्शन होंगे। वहीं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में देश में पत्थर से बना पहला स्तूप समेत कई चीजें देखने को मिलेंगी। भारत नेपाल सीमा पर 26 प्रतिबंधित चाइनीज ड्रोन कैमरा जब्त। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के भारत नेपाल सीमा पर कस्टम और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान भगहा गांव में भारी मात्रा में स्कॉर्पियो में प्रतिबंधित ड्रोन कैमरा जब्त किया गया। इसके साथ ही एक तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित ड्रोन कैमरा तस्करी कर नेपाल से लाया जा रहा था। वहीं इस मामले पर कस्टम इंस्पेक्टर श्याम रंजन कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो से करीब 16 चाइनीज ड्रोन कैमरा को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं गिरफ्तार तस्कर प्रवीण कुमार झाड़ोखर थाना क्षेत्र के सनतपुर गांव का रहने वाला है, जिससे फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। हड़ताल पर गए राशन डीलरों का लाइसेंस होगा निरस्त। बिहार सरकार उन राशन डीलरों के लिए सख्त हो गई है जो हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि राशन डीलर बिहार के फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जनवरी से मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर है, जो कि 9 जनवरी तक जारी रहेगी। इसी को देखते हुए अब बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वैसे सभी राशन डीलर जो अनाज का वितरण नहीं कर रहे उनके लाइसेंस को निरस्त कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि हड़ताल की वजह से लाभुकों को राशन देने में दिक्कत हो रही है। वीडियो वायरल होने पर 2 रेलवे कर्मी इस वजह से हुए निलंबित। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री एक स्लीपर कोच की अपर बर्थ पर बैठा यात्री टिकट चेकर्स में से एक के चेहरे पर लात मारते नजर आ रहा है, तो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में गुस्साए रेलवे कर्मी के साथ उसका साथी भी शामिल हो गया और दोनों ने यात्री का एक एक पैर पकड़ लिया, जिसके बाद बीते दिन शुक्रवार को दोनों रेलवे कर्मियों को बिना टिकट के आरक्षित कोच में बैठे यात्री से मारपीट करने के मामले में निलंबित कर दिया गया। हालांकि पीटीआई के द्वारा इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं इस मामले पर सीपीआरओ के द्वारा बताया कि चेकिंग स्टाफ ने बिना टिकट यात्रा करने के लिए यात्री से जुर्माना भरने के बाद उसे जाने दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें सजा के रूप में सस्पेंड कर दिया गया है। राष्ट्रपति और पीएम खाएंगे बिहारी कतरनी चूड़ा। इस बार राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी बिहारी कतरनी चूड़ा खाने वाले हैं। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न विभागों के मंत्री सहित 200 विशिष्ट लोग बिहारी कतरनी चूड़ा का मजा लेंगे। बता दें कि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित अन्य कर्मियों के द्वारा विक्रमशिला एक्सप्रेस से कतरनी चूड़ा की खेप भेजी जा रही है। इसमें खास बात यह है कि यह कतरनी चूड़ा जैविक विधि से उपजा कतरनी धान से तैयार किया गया।
गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड के आभा रतनपुर निवासी दो किसानों के खेतों में उपजा कतरनी धान से चूड़ा तैयार किया गया है, जिसके चूड़ा के सैंपल का चयन जिले के कृषि अधिकारियों के अलावा BAU के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। सूबे के स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक भी पढ़ सकेंगे बच्चे। अब क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध कराएगी। बच्चों तक किताबें उपलब्ध करवाई जा सके इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। आपको बता दें कि राज्य में क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें पहली से बारहवीं तक के बच्चों को पढ़ने को मिलेंगी, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावे राज्य की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, बजिका, अंगिका, मगही और मैथिली की किताबें मिलेंगी। साथ ही साथ जनजातीय सूर्यापुरी और उरांव में भी पुस्तक शामिल होंगे। भागलपुर के इन दो प्रखंडों में मिले खनिज पदार्थ के संकेत। झारखंड स्थित राजमहल की पहाड़ी पर मौजूद खनिज पदार्थ की संभावना को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दायरे में भागलपुर का दो प्रखंड क्षेत्र भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वे में निदेशक रवि कुमार और दो जियोलॉजिस्ट सौरभ कुमार और जगदीश कुमार शामिल है। फिलहाल यह टीम राजमहल पहाड़ी बनने के कारणों का पता लगा रही है, उसके बाद यहां छुपे रहस्यों का उजागर की जाएगी। इसके साथ ही भागलपुर जिले के पीरपैंती और कहलगांव का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। बता दें कि कहलगांव के माधोरामपुर मौजा के 261 एकड़ जमीन में 350 फीट नीचे कोयला का भंडार मिला है। इसके साथ ही यहां के पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार होने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा पीरपैंती क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार के अलावा फायर क्ले, सिलिका के प्रमाण भी मिल चुके हैं। अब बिहार में ट्रेन की टिकट के लिए लाइन लगाने की झंझट हुई दूर। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब यात्रियों को ट्रेन की टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल अब यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके इसके लिए DDU मंडल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, डेहरी, ओनसोन, सासाराम सहित बिहार के अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसकी मदद से यात्री अब बिना लाइन में लगे इस मशीन से टिकट खरीद सकते हैं। वहीं इसके इस्तेमाल को लेकर मंडल के स्टेशनों पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस मशीन के लगने से अब यात्रियों के समय में भी बचत होगी और साथ ही उन्हें सुविधा भी मिलेगी। मानसिक तनाव दूर करने और शारीरिक विकास पर चलेगी छात्राओं की कक्षाएं। अब सरकारी स्कूलों की छात्राएं मानसिक तनाव से दूर रहे और शारीरिक विकास की जानकारी हासिल कर सके इसके लिए सरकार की ओर से नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब नए सत्र से छात्राओं के लिए सप्ताह में एक दिन इससे जुड़ी कक्षाओं का आयोजित किया जाएगा। इससे जुड़ी कक्षाएं राज्य भर में कुल 534 प्रखंड के 1602 स्कूलों में आयोजित की जाएगी। फिलहाल इस कक्षा की शुरुआत करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 38 जिलों के हर प्रखंड से 3-3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इसके साथ ही हर प्रखंड में एक एक शिक्षिका को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो शेष दो स्कूलों की एक एक शिक्षिका को इसका प्रशिक्षण देगी। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही देश यात्रा पर निकलेंगे। जिस तरह लालू यादव के आशीर्वाद से उन्हें देश के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा बने थे, उसी तरह नीतीश कुमार को भी लालू यादव का आशीर्वाद मिल गया है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को टीका लगा दिया है, जिसका मतलब यही है कि अब नीतीश कुमार देश यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही लालू यादव का टीका दिख नहीं रहा हो, लेकिन आज नहीं तो कल किसी न किसी को देश यात्रा पर जाना ही है, तो नीतीश कुमार ही जाएंगे। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार विधान परिषद में जैम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटना में BSSC छात्रों पर लाठीचार्ज की जाती है और मुख्यमंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यह सरकार भगवान भरोसे है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि बिहारी बच्चे पिटाई खा रहे हैं और इस बारे में गृह मंत्री को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर पुलिस इस मामले की सूचना गृह मंत्री को नहीं दे रही है तो यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश इस दौरान भी आराम से बेतिया के जंगलों में घूम रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अब तक बिहार के बच्चों के हित में कोई काम नहीं किया है। वहीं लाठीचार्ज होने पर कहते हैं कि पता नहीं तो फिर वो सीएम क्यों है, घर चाहिए। उन्होंने कहा कि आप आश्रम जाने के लायक हो गए हैं, अब बिहार को मुक्ति दीजिए। जल्दी ही रुपए में सीमा पार व्यापार होगा शुरू। बीते दिन शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ चर्चा की गई, जिसमें सरकार और RBI रुपए में सीमा पार व्यापार करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RBI की ओर से डिजिटल रुपए के मदद पर बहुत सावधानी से आगे कदम बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है, जिससे कि वैश्विक व्यापार का दृष्टिकोण भी मजबूत होगा। उन्होंने
ने कहा कि सीमा पार व्यापार और सब्सिडी से जुड़े मुद्दे को लेकर आरबीआई पहले ही आगे बढ़ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब जल्द ही सीमा पार व्यापार शुरू हो जाएगा। कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर किया खुलासा। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की T20 करियर खत्म होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने श्रीलंका से मिली हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि इंडिया 2024 T20 विश्व कप के लिए युवा टीम बनाने पर ध्यान दे रही है। हालांकि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम जरूर लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि 2024 में T20 के लिए पूरी युवा टीम हो सकती है। युवा टीम को श्रीलंका की गुणवत्ता वाली टीम के खिलाफ खेलना एक शानदार अनुभव है। अच्छी बात यह है कि एक दिवसीय विश्व और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए T20 में हमें इन लोगों को आजमाने का मौका दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच है, जिसमें दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी। आज का यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति में होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत की जनता ने 1980 में एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों सौंप दी। आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने 2009 में अपने पद से इस्तीफा दिया। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता जॉनी लिवर का 1950 में जन्म हुआ। भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशिकिरण का 1981 में जन्म हुआ। भारतीय लेखक शोभा डे का 1947 में जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बालश्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता शांता सिन्हा 1950 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री विपाशा बसु का 1969 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना रॉय का 1957 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का 1961 में जन्म हुआ। 1966 में हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक विमल राय की मृत्यु। वायलफोर में आज हम बात करेंगे बैंकों के निजीकरण के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बैंकों के निजीकरण के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण पर नीति आयोग द्वारा एक सूची साझा की गई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। @ नीति आयोग के द्वारा किसी भी रूप में ऐसी कोई सूची साझा नहीं की गई है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को एक जगह पर ऐसे करे ग्रुप। इंस्टाग्राम में कई ऐसे फीचर्स हैं जो यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपडेट किए गए हैं। इसी फीचर में एक नाम गाइड्स का भी है। यूजर्स को गाइड सुविधा का उपयोग करके अपने पोस्ट को एक साथ एक जगह पर समूहित करने की अनुमति मिलती है। अगर आप भी इंस्टाग्राम गाइड्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम ऐप खोलें। अब नीचे दाएं कोने पर उपलब्ध छोटे प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करके अपनी प्रोफाइल पर जाएं। फिर ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध प्लस आइकन पर टैप करें। अब पॉप अप मेनू से गाइड विकल्प चुनें। उस प्रकार की गाइड को चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं। अब आप अपनी सहेजी गई पोस्ट या अपनी कोई भी पोस्ट चुन सकते हैं। इसके बाद अपनी पसंद के पोस्ट का चयन करने के बाद ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध नेक्स्ट बटन पर टैप करें। अब अपने गाइड के लिए एक टाइटल के साथ साथ इसमें शामिल होने वाले पोस्ट के लिए भी टाइटल बनाएं। इसके अलावा आप अपने गाइड में और पोस्ट जोड़ने के लिए ऐड पोस्ट बटन पर टैप कर सकते हैं। अब टॉप राइट में उपलब्ध नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप करें। आखिर में शेयर बटन को हिट करें। पटना की गंगा नदी में तैरेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। बिहार सरकार ने गंगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमवी गंगा बिहार को मरम्मत कर फिर से शुरू करवाने का फैसला लिया है। दरअसल एमवी गंगा बिहार एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। लगभग 5 सालों के बाद लोग फिर से इसका आनंद ले पाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज के रिपेयरिंग के लिए संध्या स्मार्ट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एजेंसी का चयन किया था। इसके रिपेयरिंग का काम आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से सितंबर महीने में ही शुरू हो गया था। रिपेयरिंग के बाद अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामदरे सिंह, अमर आजाद, नन्नू गोलू कुमार, अंबिका कर्ण, रूपेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, कुलदीप कुमार, भरोश यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, ओम प्रकाश, रवि कुमार राम, अंजना मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नागमणि पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जातिगत जनगणना कराने से बिहार के लोगों को कितना फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।